कि आप सबसे पहले इस दुनिया में आप मुझसे कब मिले थे और कहाँ मिले थे? कैसा बना है? देखो, आज मैंने अपना सारा सामान निकाला है जो ये कराची से मैं सारा पैक करके लाई थी ना, इसमें बहुत सारा मेरा मेकअप, बहुत सारा ये मेरी लैशेस, ये मेरी शॉपिंग। हाँ, ये तो जूतों की पूरी दुकान लग रही है। न्यू लेके रखे हैं। हाँ, अभी और भी हैं। और भी हैं ये। मुझे वैसे भी भूले हुए थे क्योंकि मैंने कराची में लिए थे। आपको खुद को भूल गए थे? सामान के साथ पैक ही पड़े थे। और गाइस, उस दिन जब मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपने अपने लिए तो इतना खूबसूरत जैकेट लिया है, आपके हस्बैंड क्यों नहीं लेते, तो मेरे हस्बैंड लेते हैं, अब पहने ना, तो वो देखो मेरा कसूर नहीं है। ये पता नहीं क्यों अपने नए नए प्यारे प्यारे कपड़े छुपा के रखते हैं। इनकी जो दूसरी वाइफ है ना, इनके लिए वहाँ पर सरप्राइज वो दे रही है इनको, इनके लिए वहाँ पे कपड़े सिलवा रही है, और यहाँ से मैंने भी इनको लेकर दिए। अब ये नहीं पहनते, मेरे लिए तो ये नहीं पहनते, गाँव जाकर पहनेंगे। यहाँ से ये पहन के जाओगे? जिस दिन मैंने अपनी जैकेट ली थी ना, इन्होंने भी अपनी ली थी। ऊपर ये जो मैंने चादर डाल के रखी है ना, यहाँ पर मेरे हैं शादी के कपड़े, जो कि सरप्राइज है। देखो नोबिता पहुंचा हुआ है। नोबिता, नोबिता पर्दा मत हटाना, शरारती शरारती कहीं का। तो देखो, ये एक शॉपर, ये भी ज्वेलरी वाला है, ये ज्वेलरी बॉक्स है। इन सब में से अपनी ज्वेलरी देखते हैं जो मेरी शादी वाली ड्रेस से मैच होगी, तो इसलिए इनको निकाला कि मेरी चलो बचत हो जाएगी, कुछ मैचिंग में है, नया पड़ा है तो। इसमें तो ये लाइटिंग है, ये वहाँ गांव में काम आएगी ना, दरख्तों पे भी लाइटिंग लगाएंगे गांव वाले। ओ पता नहीं मेहंदी किस टाइम की पड़ी। ये सारा सामान कराची वाला है, जो कुछ ऐसे ये बॉक्स थे ना, मैंने इनको नहीं खोला था, मुझे थोड़ी सी टाइट लग रही है। और ये देखो, मेरा माइक भी मिल गया। तो शादी पे जब हम जाएंगे वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होगा, शादी फंक्शन पे इतना ज्यादा शोर होता है कि व्लॉग में ना आवाज ही साफ नहीं आती। तो चलो, ये भी टाइम पे मिल गए। अच्छी लग रही है, पेट पीछे किया हुआ है ना, छोड़ो छोड़ो, लूज करो। ये देखो, इसमें देखो, इसमें ज्वेलरी है, देखो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। और देखो, जैसे ही मुझे गिफ्ट दिया था, मैंने एक बार भी इसको नहीं पहना। तो चलो, अभी छोटे मोटे जैसे फंक्शन होंगे ना, उसमें मैं इसको पहनूंगी। देखो ये है भी कितना खूबसूरत ना, मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, अभी तो ये वैक्स होगा ना, मेरे बाजू पे इतने ज्यादा बाल हैं तो थोड़ा अजीब लग रहा है। इसके अलावा और क्या मुझे दिया था, ये देखो, जैसे मतलब ये पूरा मुझे बॉक्स मिला था ना, आज मैं इसको खोल रही हूँ, क्या ना इसको निकाला। इतना प्यारा नेकलेस है ये, एक फंक्शन पे तो मैं ये पहन सकती हूँ। तो फौजिया के लिए सरप्राइज आ गई, इतना टाइम से ये मेरे पास है, मैंने आज तक इसको खोल के नहीं देखा है। तो ये मेकअप का, हाँ लिपस्टिक है, इतना क्यूट छोटा सा मिनी बैग है। ये देखो, लिपस्टिक भेजी थी, नहीं करो नोबिता भाग। फौजिया को इतना खूबसूरत गिफ्ट मिल गया, और देखो बैग भी बहुत ज्यादा प्यारा और खूबसूरत है। क्यों, हेलो, अच्छा लगा जी? थैंक यू फूफू। चलो, मैं तो गिफ्ट देख रही थी अपना, एक इसमें देखो, एक ये भी है, ये उसी के साथ है। नोबिता, नोबिता इतना तंग कर रहा है, तो कोई चीज भी नहीं दिखाने दे रहा। ठीक, तो ये मुझे मिला था दुबई से, ये तो आप सबको भी याद होगा, मैंने दुबई में पहना भी था। एक साल हो गया, इसकी शाइनिंग देखो, अभी से आपकी पैकिंग हो रही है। आप पीछे आ जाना, मैं गांव जा रहा हूं। ठीक है ठीक। ये भी इतना खूबसूरत नेकलेस है, तो ये फौजिया के लिए, फौजिया पहनेगी शादी के किसी फंक्शन पे, प्यारा लगेगा। ये है भी गर्ल्स वाला, जैसे लड़कियों का होता है ना, छोटा छोटा सा बना हुआ, तो ये मेरी नेक पे इतना अच्छा नहीं लगेगा, ये छोटा बच्चियों वाला डिजाइन। इसकी इयररिंग्स इतनी खूबसूरत हैं, बटरफ्लाई वाली। देखो मेरे पास और भी हैं ब्लश ऑन, तो ये वाला ब्लश ऑन मैं फौजिया को दे रही हूँ। थैंक यू पप्पू। मुझे लगता है फौजिया की जो ना शादी की सारी शॉपिंग ना यहाँ से हो जाएगी। इस सामान का ये फायदा हुआ है कि एक एक चीज देखो निकलती आ रही है, एक एक चूड़ी मैंने जमा की है, तो एक सेट पूरा बन गया। ये मैंने लिया था जब हम नारायण जा रहे थे, फिर मुझे मिला नहीं था, आज मिल रहा है। चश्मे ना कलर वाले, क्रिस गेल पहनता था। ओ ये देखो इतनी सारी चूड़ियां, ये पता है कब की है? पिछले रमजान वाली ईद की है। ये चूड़ियां पहनी नहीं, ये मुझे गिफ्ट आए थे रमजान वाली ईद पे ना, मुझे बहुत से लोगों ने चूड़ियां गिफ्ट भेजी थी। और ये देखो, ये कितना प्यारे खूबसूरत सेट है ना चूड़ियों के, जिसमें आयत की भी चूड़ियां थी, तैयबा ने शायद अपनी पहन ली थी। और देखो इयररिंग्स भी भेजी थी, वो भी वैसी की वैसी पड़ी है। तो बच्चों की भी चीजें आहिस्ता आहिस्ता साथ में मिल रही हैं, तो काम। ये देखो, ये भी पिछले रमजान का है, टू सितारा यासीन फ्रॉम सबानूर कलेक्शन। चलो, ये मुझे चाहिए था, मैं कब से ढूंढ रही थी कि ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी। ये अंगूठी भी उन्होंने भेजी थी, इतना प्यारी पैकिंग की हुई है। ये वाली चूड़ियां तो खैर बच्चा पार्टी से मैंने खुद ली थी, ये भी इसके अंदर पड़ी है। और ये भी उन्हीं की तरफ से था, सबानूर की तरफ से, बाकी ये सारी चीजें सबानूर की तरफ से ही आई। इतनी खूबसूरत पैकिंग है, इसमें देखो, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। वाह, ये इसमें देखो प्यारा सा नेकलेस साथ में, इसके इयररिंग्स इतना अच्छा है ना।
ओ ये कितना खूबसूरत है, ये तैयबा के लिए उन्होंने भेजा था टैडी वाला। एक और भी भेजा था ये, हाँ ये तो पायल है। तो आए तो ऊपर आ जाओ, तो इससे देखो इतनी आसानी हो गई है ना। अब मैं शादी के लिए कुछ चूड़ियां देखने जाऊंगी तो काफी पड़ी हुई हैं, तो मैं जरूरत का ही सामान अब लूंगी। और ये देखो ये आ गया सुबह सुबह का फ्रेश दूध, इसको अभी बॉइल करना है। और यहाँ पर हमारा सालन भी तैयार हो गया है। तो आज हमारे घर पे बना है निहारी, कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही फिलहाल, किचन का कुछ भी मैं शूट नहीं कर रही आजकल, बस जल्दी जल्दी में काम भी बहुत ज्यादा है। और बस अभी तैयबा भी स्कूल से आती होगी, मुस्तफा का तो आज गैप था नहीं गया। घर में देखो कितना ज्यादा खामोशी है, सब सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा का बच्चा, पढ़ के आ गई? कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। मुस्तफा उठ जाओ मेरा बच्चा, उठ जाओ, कितना टाइम हो गया, तैयबा भी वापस आ गया, उठो। अल्लाह हाफिज मम्मा का बच्चा, बाय बाय आयत। ऐसे लगते जब से अम्मी गई है ना, पार्क जाने को कहीं जाने को दिल ही नहीं करता, बच्चे चले जाते हैं बस फिर अकेले नहीं जाना दिल करता। और हमारा धनिया तो देखो दिन ब दिन इतना खूबसूरत बड़ा होता जा रहा है, हरा भरा रहेगा जब ये बड़ा होगा, इसको काटने का या फिर लहसुन को तोड़ने का, फिलहाल इसको और ग्रो करने देते हैं, बड़ा होने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है और खैर खैरियत से है। आज है, आज कुछ खास है, आपको सब पता है, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, खास यूट्यूब फैमिली को बताओ। आज हमारी शादी को कितने साल हो गए? 15। आज के दिन हमारी शादी को 15 साल हो गए, पूरे 15 साल। और आज के दिन मैं आपको मिली थी, मेरे जितना छोटी, मैं आपसे बहुत छोटी थी, आप पूरे मुझसे 10-12 साल बड़े हो ना, पूरा 10-12 साल बड़े हो ना। 10 नहीं 12 साल। मेरी जब शादी हुई थी ना, बताना मैं कैसी लगती थी, जैसे अभी फौजिया इतनी थी जैसे अभी फौजिया है, फौजिया जितनी थी तकरीबन, लेकिन फौजिया मुझसे बड़ी है। जब मेरी शादी हुई थी मैं फौजिया से छोटी थी। मेरी शादी होने के बाद मैं बच्चों से खेलती थी इतना, और मुझे बातें सुननी पड़ती थी कि वो एक बच्चों वाला दिमाग भी था, तो बच्चों के साथ खेलती भी थी, तो बहुत ज्यादा मेरा मजाक बनाया जाता था, इसकी शादी होगी है बच्चों के साथ खेल रही है। मैं कैसी थी, जिम्मेदार थी या खेलने कूदने में? खेलने कूदने वाली थी मैं, बिल्कुल जिम्मेदार नहीं थी। और आपके, आपने जो मुझे पहला सूट व्हाइट कलर का दिया था, जो धो धो के मैंने अपने कपड़े वो कर दिए, अपने हाथों पे छाले बना लिए थे, वो दिन याद है? हाँ। शादी हुई, शादी करके फिर मैं चली गई कराची ना इनके साथ, तो जैसे मैं वहां पे गई पहले दिन इन्होंने मुझे व्हाइट कलर का सूट दे दिया प्रैक्टिस करने प्रैक्टिस मुझे व्हाइट कलर का सूट दिया कि ये धोकर रखना ना, उसको धोते हुए मैंने पूरी शाम कर दी, और वो ब्रश से और इनसे मसल मसल के ये वाली जो मेरी जगह थी ना यहाँ पे सारा वो रैशेज नहीं पड़ जाते, पूरा रेड रेड हो जाता है, और इतनी ज्यादा जलन हो रही थी। जब ये वापस है मैंने इनको बताया है कि मैंने सूट तो पूरा चमका दिया है। दिन लगा तो चमकेगा नहीं? हाँ, पूरा दिन मैंने लगा दिया था, मुझे कपड़े धोने का इतना आइडिया नहीं था ना, तो मैं पूरा कपड़े की एक एक जगह जैसे होती है ये जगह पकड़ के मसलना, ये पकड़ के मसलना, ये पूरे कपड़ों को एक एक जगह को पकड़ के मैंने मसला था कि यहाँ से भी साफ होना है, यहाँ से भी करना है, यहाँ से भी करना है, उस पर थोड़ा सर्फ डाल के मसलना है, तो पूरा दिन मेरा गुजर गया, शाम लग गई थी, और नीचे फर्श पे फिर एंड में मैंने उसको रख के ऊपर दोबारा सर्फ डाल के ब्रश से यूं 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 ऐसे मसलती रही, और फाइनली एक सूट मैंने पहला सूट मैंने अपने हस्बैंड का धोया था, क्योंकि मैं अपने घर में सिर्फ अपना यूनिफॉर्म वॉश करती थी और बाकी कोई कपड़े नहीं धोती थी, यूनिफॉर्म वॉश करती थी, और कभी कभार अम्मी के ऐसे धो भी लेते थे, तो वो इतने नहीं होते थे। आदमियों का मैंने पहली दफ़ा अपने हस्बैंड का आकर धोया था, जो मुझे इतना बड़ा काम लगता था कि मैं ये सोचने बैठी आज तो ये पहला दिन आगे मैं कैसे धोऊंगी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता एक वो हुआ, लेकिन वो मुझे दिन नहीं भूलता जो मैंने पूरा दिन लगाया था। जी चार दोनों बहने भाईजान की शिकायत लगा रही है, खांसी खाई है, क्या खाए? इससे खांसी होती है ना मूंगफली से। अच्छा हाँ, मैं मना करती हूँ ना कि मूंगफली नहीं खाओ, खांसी और ज्यादा होती है, तो कहती है भाईजान खांसी खा रहा है। तो मुझे खांसी दी थी, बहुत बुरी है। मेरा छोटा बेबी है, नहीं करो, नहीं मुस्तफा दुआ कचरा साफ कर देती है, आप करो। दीबा को डेली स्कूल जाना पड़ रहा है, इसका बीच में गैप आ रहा है। हाँ छुट्टी करेगी, वाह तैयबा ने तो इयररिंग्स भी पहनी है।
स्टिकर चिपकाए हैं। तैयबा ने ब्लैंकेट वाला ड्रेस पहना है, इतना सॉफ्ट। बहुत मजे की और बहुत प्यारी प्यारी बातें चल रही थी मेरी और मेरे हस्बैंड की, तो बस फिर उनका फोन आ गया, बातें वहीं रह गई। और यहाँ पे देखो बन रही है हमारी चाय, गुड़ वाली चाय। तो अब जब से मैंने थोड़ा कंट्रोल किया है ना चीनी पे, चीनी मैंने बहुत कम कर दी है, मतलब कम ऐसे मतलब कि ना बिल्कुल खत्म कर दिए। अभी मेरा स्टीविया घर पे खत्म हो तो, वरना मैंने चीनी अब बिल्कुल खत्म कर दी है। मतलब दो दो तीन तीन दिन गुजर जाते हैं मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती, अगर ऐसा स्टीविया खत्म हो तो ले लेती हूँ एक आधी बार, वरना हम गुड़ की चाय ले रहे हैं वो भी दिन में एक या दो बार। गुड़ भी घर पे खत्म हुआ हुआ है, अभी जब शादी में जाएंगे ना तो गाँव से ढेर सारा गुड़ लेकर आऊंगी। आपके पापा देखो देवदास बन के बैठे मगर हम आ गए। एनिवर्सरी का पहला गिफ्ट है, आपको पता है क्या? आज क्या, आज कौन सा दिन है? आज आप लोगों की एनिवर्सरी है क्या? हाँ। खुद से बोल रही हैं। देख लो इसके काम नहीं, नहीं देखिए आप लोगों को पता क्या है आज आपके लिए, तो हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे विलेज में अक्सर शादियां जो है दिसंबर में होती है, पूरा दिसंबर आप लोगों की एनिवर्सरी चलती रहेगी। हाँ मतलब जितना भी गांव वाले ना सबकी एनिवर्सरी, सबकी एनिवर्सरी दिसंबर में आती है, क्योंकि दिसंबर में बच्चों की छुट्टियां होती है और हर कोई सर्दियों में शादी करता है, तो ज्यादा नवंबर दिसंबर में एनिवर्सरी आती है। आप गेस करो हमारी शादी को कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए? 16 years। 16 years? आप कितने ईयर के हो? 12। हमारी शादी को आज के दिन पूरे 13 में है ना, ये 12 साल खत्म हो गया, अब 13वें साल में लगा है ना, तो आप आज हमारी शादी को पूरे के पूरे 15 साल हो गए। ओ आज के दिन चलो 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 अब आप लोग हमें गिफ्ट दोगे, अपने बच्चों को गिफ्ट दो, बच्चों को देना चाहिए, बच्चों को गिफ्ट देना चाहिए, बच्चे देते हैं, बच्चों को देना चाहिए, बच्चे अभी बड़े नहीं हुए हैं, बच्चे अभी बड़े नहीं हुए। आपके अपने पापा को बोलो ना आज मुझे एनिवर्सरी का कोई गिफ्ट। हाँ जी पापा, पापा आपके ऊपर है ना, आप देना मम्मा को। मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे सोने की पायल पहना दे, मुझे कुछ गोल्ड का गिफ्ट दे दो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ ये थोड़ा का गिफ्ट हो गया। तो परफेक्ट डेट पता है? हाँ 14 दिसंबर को ही थी हमारी शादी। टीचर ने कहा सैटरडे को देखने जाएंगे और इसे अभी से लगी हुई है कि चलो चलो। टीचर ने इसको बताया था कि मूवी देखने चलेंगे? तैयबा को बता रही थी और तो इसने सुन लिया। शादी के 15 साल बाद ना सर से बाल भी खत्म हो जाते हैं, दिखाओ जरा, ऊपर से बाल भी खत्म हो गए। नहीं, नहीं, मेरे सर के बाल सफेद हो गए गाइस, सर के बाल गाइस देखो 15 साल बाद, बस इतना पॉसिबल गाइस, इनके 15 साल बाद सर के बाल खत्म हो गए और मेरे सर के बाल सफेद हो गए। किस्मत की देवी मेहरबान है, ये किस्मत की देवी जो है ना मेहरबान है, ये जो सर के ऊपर बाल नहीं होते ना, फिर आप पूरे गंजे हो जाओ। नहीं जो कुदरती उड़ जाए ना। तो यहाँ पर देखो हम रेडी हो गए हैं, कहीं बाहर चलते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे वापस आ जाएंगे। थोड़ी बहुत लिपस्टिक लगाई और मैं रेडी हो गई। काफी टाइम के बाद आ रही है ना। हाँ ये क्या है, ये गीगा तो नहीं है? तो ये देखो इसकी फेवरेट मॉल हम आए, इसको यहाँ से केक पसंद है, केक लेने आए हैं। चलो हाँ हाँ चल रहे हैं। आजा मेरा बेबी। तो गाइस अभी देखो 6:30 का टाइम हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे रात के कोई 9-10 बज रहे हो। चलो 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 बच्चो, नहीं हो चलो आजा, आजा, आजा। गाड़ी में आप नहीं बैठती ना, वो देखो ओ, भागो भागो भागो, ये क्या था? आए पास मत जाओ, पास मत जाओ, हट जाओ, पास मत जाओ। ये क्या बना रहे हैं? ये ओरियो वाला चाहिए, बस यही चाहिए, ये लो। वाह इतना क्यूट छोटा सा ट्रक आ गया है इसका। बाय बाय बाय, हेलो बेबी, आ गई वापस, आ गई। चलो पैसे खत्म आए, आ जाओ वापस। इतना क्यूट छोटा सा ट्रक है ना, इतना ज्यादा अभी मुझे ठंड लग रही है ना, बहुत ज्यादा, फर्श ऐसे नीचे बर्फ बना हुआ है। आज इन जूतों ने मुझे इतना तंग किया है ना, पता नहीं लास्ट टाइम मैं कैसे इनको मरी पहन के गई थी, अभी बहुत छोटे हो गए हैं ऐसे ना, ऐसे पाँव ऐसे मेरे इकट्ठे हुए हुए थे। किस साइड पे भागा है, कहाँ है तैयबा, है गाड़ी के नीचे? जाओ मुसफा आप इस साइड से आ जाओ, ये रहा, ये रहा, पकड़ो नोबिता नोबिता, इधर 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 से, इधर से ही बैठना तैयबा, इधर नोबिता, पकड़ो पकड़ो पकड़ो,
क्या आपके पापा ने कैच किया इसको? सारे अपने पाँव भी गंदे कर दिए, अंदर लिया। नोबिता सर देखो, मतलब नोबिता ऐसे खुशी की तरह लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है नोबिता। अभी ना हाथ में जैसे काम नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा ठंड है भाई। हमारे गांव से कई गुना यहाँ पर ज्यादा ठंड आ चुकी है, बहुत ठंड है यहाँ पे। सोचो बैठो 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 इधर, हम कुछ पुरानी बातें, कुछ सवाल है मैं आज आपसे करने वाली हूँ, अगर पता नहीं इनको याद है या नहीं है, हमारी शादी से रिलेटेड। पहले सबसे पहला मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि आप सबसे पहले इस दुनिया में आप मुझसे कब मिले थे और कहाँ मिले थे? मुझे कहाँ देखा था? आपके घर में। चलो आपने मेरे घर में, मतलब मैं कितनी थी तब? आपका भाई और मैं दोनों दोस्त हैं। अच्छा, तो तब मैं तकरीबन महीने में एक दो दफा तो लाजमी आया करता था हमारे घर पे। हम आपके घर पे। और मैं तब कितनी थी? तब छोटी थी, तकरीबन तैयबा तैयबा की जितना थी। अच्छा, तो आप मुझे तब से देखते थे, इसका मतलब है तब से मेरे ऊपर नजर रखी हुई थी? नहीं नहीं, उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं था, खेलने के लिए आता था। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि फारूक भाई और मेरे हस्बैंड गांव में सबसे ज्यादा शरारती यही दो बच्चे थे, और इनकी माए इन दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा, मेरी सास और मेरी अम्मी इन दोनों बच्चों से बहुत तंग थी, हमारे पीछे भागती रहती थी बस कि कहाँ है। और फिर पापा मुझे कहते हैं कि मैं तो अपने बचपन में बहुत अच्छा था, मैं अपने मम्मी बस यही बात इसके सामने नहीं करनी। जब मुझे के सवाल जवाब हो रहे हैं आपके पापा से कि आपके पापा मुझे कैसे मिले थे, क्या आपने एग्री किया था इस शादी आपके पापा से? हाँ जी, मुझसे पूछा ही नहीं गया था। हाँ जी, आपको सरप्राइज मिला था? सरप्राइज दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज मम्मा। उस टाइम तो बड़ों की बातें होती थी, बड़ों की बातें। आपको पता था? नहीं, मुझे भी इसको भी नहीं पता था, इनको भी नहीं पता, इनकी भी फैमिली वालों ने मुझे तो ख्वाब ख्याल में नहीं था। और मेरे कौन सा ख्वाब ख्याल में था? वही ना, ये ऐसा होगा, ये रिश्ता क्या था? आपको शादी करनी थी? हाँ, आपको मेरे शादी करनी थी, वो पता नहीं कौन। और मम्मा आपको? मैं तो अभी पढ़ रही थी, 8th क्लास में थी, अभी तो स्टूडेंट थी, स्टूडेंट थी, मेरा तो कोई ख्वाब ख्याल भी नहीं था शादी का। हमारा रिश्ता ऐसे हुआ था कि हम मेरी मामी के घर पे हुआ था ना, जब हम गांव में गई हुई थी मामी के घर पे, तो वहां पर अम्मी अब्बू सब ने और इनकी फैमिली ने मिलके रात के टाइम पे बात पक्की की थी। उस टाइम मैं सो रही थी, फुल नींद में थी, तो इनकी जो है ना भाभी ने मुझे उठा के मेरे पांव से कहते हैं, चलो तुम अब हमारी हो चुकी है, अब तुम्हें ले चली, ऐसे मतलब मेरे साथ मस्ती मजाक कर रही हूँ। मैंने कहा ये पता नहीं मुझे क्या बोल रही है, ऐसे फिर सो गई। तो खैर सुबह मुझे सरप्राइज ये मिला था। कौन ने आपको कह रहा था? चाची राबे बाजी, वो कह रही दिया। तो भाभी है ना आपके पापा की। उस टाइम जब रिश्ता हो रहा था या फिर आपको फोन किया था? ये बात मैं देखो, ये बात मैंने आज तक अपने हस्बैंड से नहीं पूछी कि जब आपका मुझसे रिश्ता हुआ कैसे हुआ है। मुझे फोन किया था, मैं कराची में था उस टाइम, मतलब बात हो गई थी, चल रही थी, हो गई थी मतलब डन हो गया था, बात खुद से पक्की कर दी थी, आपसे नहीं पूछा था? नहीं पूछा भी नहीं था। आपसे पूछते तो आपने करनी थी, बस मुझे बताया कि हम पा डन हो गया, मैंने बोला ओके हो गया। खुश थे फिर? पहले ऐसे ही होता था, पेरेंट्स ऐसे नहीं, भी नहीं आपको आपको करनी थी अगर आप। मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, मैंने तो अम्मी से कहा था कि मुझे इतना जल्दी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ाई करना है। मुझे अम्मी कहती है शादी के बाद तुम पढ़ लेना, सब ऐसे बोलते थे शादी के बाद पढ़ना। जब डेट फिक्स ना होती तो शायद मैं ना होता, वो ब्लैंकेट में दो आंटियां ना होती। बहनों को आंटियां मत बोला करो, अब शायद हम इधर भी ना बैठे होते, शायद एक दूसरे के सामने एक दूसरे को पहली बार कब देखा था? निकाह पे, जैसे हमारा निकाह हुआ था तो मैंने पहली बार तब देखा था इनको, और बस थोड़ा सा ही ऐसे ऊपर देखा था, और उसके बाद फिर हम ऐसे नीचे मुंह करके ऐसे बैठे रहे, जितनी देर फंक्शन चलते रहे हमारा फेस ऐसे नीचे होता था। हाथ सीधे रखने हैं दुल्हनों के, हंसना नहीं है, नीचे करके ऐसे बैठे रहना, ऐसा बोल। और आप क्या सोच रही होती जब? और मुझे हंसी आती थी, कंट्रोल नहीं कर। हम पहले निकाह पे हमने एक दूसरे को थोड़ा सा देखा था, फिर शादी पे। हाँ, ये मिठाई पता नहीं ऐसा कुछ लेकर आए थे, कराची से आए थे, अपनी शादी से 2 दिन पहले आए थे, मायों पर नहीं थे, मतलब जो मेरी मायों हुई थी ना, वो ऐसे सब बड़ों ने मिलकर जैसे फंक्शन होते हैं वो सब किया था। यानी कि उस टाइम पे शादी बड़े ही करते थे, बस उसके अंदर दूल्हा दुल्हन इनको रख देते थे, बाकी सारा कुछ वो बड़े ही करते थे। हाँ, वो बाकी शादी ऐसे दूल्हा दुल्हन का आमना सामना नहीं होता, आमना सामना नहीं, बस दूल्हा दुल्हन ऐसे रख दिए थे कि हाँ शादी इनकी है और बाकी सारा वो खुद। तो मतलब वो ऐसे कहते थे कि आजकल तो आज की शादी इतनी एडवांस है कि
दूल्हा दुल्हन साथ बैठते ना, उस टाइम अच्छा नहीं समझा जाता था कि दूल्हा दुल्हन को क्यों साथ बिठा रहे हो, एक दूसरे को देखे ना, पहले दिन उसी दिन देखें जिस दिन शादी हो, तो मतलब उस दिन देखा जाता था ना बात करने। बाबा एक बात पूछू, आपने क्या सोचा है कि मेरी किसके साथ शादी करेंगे? मेरी आपकी? हाँ जी। पता क्या हुआ अभी मैं बताती हूँ। ये हमारी बातें सुन के इसको लग रहा है शायद मेरे भी पेरेंट्स अपनी मर्जी से कर देंगे। तब एक ऐसा टाइम था, एज भी मेरी बहुत कम थी ना, तो मुझे सारे बड़े समझाते थे कि दुल्हन हंसती नहीं है, हंसना मत, इतना मत हंसना। और मेरी ज्यादा हंसी होती थी इसको और कंट्रोल कर दी। सुनते थे क्या मेरी हंसी? जैसे ना कमरे से बाहर निकालते थे ना, मैं जैसे वो दुल्हन की ड्रेस में होती थी, लेकर आके सोफे पे बिठाते थे चेयर पे, तो बस मेरी हंसी मुझसे कंट्रोल नहीं होती थी। मैं यूं ऐसे कंट्रोल करते करते मैं यूं बैठती थी और इतना मैं सीरियस हो गई अपने ऊपर, कंट्रोल मुश्किल से करती थी क्योंकि मैं इतना सीरियस रहने वाली थी नहीं। मुझे बहुत हंसी आती थी और सब कहते थे क्या लोग कहेंगे, ये कैसी वो दुल्हन आवारा है ये। जितने भी सारे फंक्शन थे बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके बैठी। मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अपने फुटबॉल कैरियर में इंटरेस्ट है। मुझे सुबह के पेपर में थोड़ा सा इंटरेस्ट है क्योंकि हिस्ट्री का है, बस इसीलिए अपने फुटबॉल कैरियर के अंदर आगे बढ़ना और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताना है फुटबॉल में। ये इसका ड्रीम है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और गाइस अभी हम जो बाहर मॉल गए थे ना, मैंने अपने हस्बैंड को बहुत बोला कि आज मुझे कुछ गिफ्ट दे दो मेरी उस पे एनिवर्सरी पे, तो इन्होंने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। बस कहते हैं कि ना जो मेरी दूसरी बीवी है उसके साथ भी तो मैंने एनिवर्सरी नहीं मनाई तो तुम्हारे साथ क्यों मनाऊं, जब उसके साथ नहीं मनाई तो तुम्हारे साथ भी नहीं मनाऊंगा, जब उसको कुछ गिफ्ट नहीं दिया तो तुम्हें भी नहीं दूंगा, ये बोलते हैं। हिसाब किताब बराबर। तो ये कहते हैं कि दोनों को बराबर पे रखना चाहिए, इस वजह से इन्होंने आज मेरे साथ एनिवर्सरी नहीं मनाई। और फिर मैं भी चुप हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है, बराबर पे रहो तो हम दोनों बराबर पे रहेंगे, ठीक है आप खुश हो, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं लिया। कहते हैं नेक्स्ट ईयर से हम ऐसा करेंगे कि उसके साथ भी मनाऊंगा, तुम्हारे साथ भी मनाऊंगा, फिर उसको भी गिफ्ट दूंगा, तुम्हें भी दूंगा, तो अगले साल से हम एनिवर्सरी गाइस मनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अपना रखना ढेर सारा ख्याल, कल मिलते हैं बहुत खूबसूरत प्यारे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।